हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड सिस किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कांजी वड़ा। फ्रेंड्स, हम एक अलग तरीके का कांजी वड़ा बनाएंगे, जिसे वेस्टर्न यूपी में बहुत बनाया जाता है और ये चुकंदर से बनता है, जो कि हेल्दी भी बहुत होता है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने 1 लीटर आरओ का पानी लिया है, इसे हमने पैन में किया हुआ है क्योंकि हम इसको उबालेंगे। इसके साथ ही हमने ये एक चुकंदर लिया है और इसको हम लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कैसे भी कर सकते हैं। मैंने इतने मोटे पार्ट में इसको काटा है। इस तरीके से ये हमने सभी पीसेस काट लिए हैं। अब हम जो हमने पानी लिया था पैन में, उसको उबलने के लिए रख देंगे और उसमें हम चुकंदर के जो पीसेस हमने काटे थे उनको भी उसमें डाल देंगे। अब हम कांजी का पानी बनाने के लिए इस तरीके का एक कांच का बर्नी या चीनी मिट्टी की बर्नी लेंगे। हमें प्लास्टिक या स्टील या किसी और मटेरियल की बर्नी यूज़ नहीं करनी है। अब हम इसमें ये पिसी हुई राई डाल देंगे, ये लगभग 2 टेबल स्पून है। ये 1 चम्मच नमक, ये भुना हुआ जीरा, काला नमक और ये कुटी हुई काली मिर्च, और इसके साथ ही हम लाल मिर्च डाल देंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 चुटकी हींग और ये सरसों का तेल हम इसके अंदर डाल देंगे। ये लगभग 1 टेबल स्पून है। सरसों का तेल हमें कच्चा ही यूज़ करना है और इन सभी मसालों को हम बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये ऑयल के साथ अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम अपना पानी देख लेते हैं। ये देखिए, पानी में हल्का बॉयल आ गया है और उसके साथ ही ये देखिए पानी हमारा रेड भी हो गया है। इस तरीके से पानी को हम 5-10 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये आरओ का पानी लिया है तो हम इसमें उबाल आने के बाद 5 मिनट उबालेंगे। आप अगर सादा पानी ले रहे हैं तो आप लगभग 15 मिनट तक उसको उबाल के यूज़ करेंगे। ये पानी को हमने ठंडा कर लिया है उबाल आने के बाद। ये ठंडा हो गया है। अब इस पानी को हम उस जार में डाल देंगे जिसमें हमने मसाला बनाया था। ये पूरा पानी हम पलट देंगे और इसके साथ ही जो चुकंदर के पीसेस थे उसको भी हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि जब हम पानी पिएंगे तो उसके साथ ये चुकंदर के पीसेस आएंगे, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इनको भी हम एक एक करके सब पलट देंगे। ये पानी देखिए हमारा तैयार हो गया है। इनको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें ये पानी को किसी गर्म जगह पर 2 से 3 दिन के लिए रखना होगा, और अगर आप धूप में रखते हैं तो ये 2 दिन में बनके तैयार हो जाता है। इसको इस तरीके से हम किसी सूती कपड़े के साथ बांध के धूप में रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, या फिर हम ढक्कन लगा के इसको धूप में रख देंगे 2 दिनों के लिए। 2 दिन के बाद ये देखिए हमारा पानी तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए वड़े बनाएंगे। वड़े बनाने के लिए हमने ये मूंग की दाल को 5 से 6 घंटे के लिए सोक किया हुआ है और इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इसको हम एक मिक्सी जार में पीस लेंगे। ये हमने मिक्सी जार लिया है, इसमें हम दाल को डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
ये दाल को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे। हम और कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही दो चीज़ इसमें डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे फ्लेवर हमारे पानी में हैं। ये देखिए, एक बार पानी को हम खोल कर चेक कर लेते हैं। पानी हमारा फर्मेंट हो गया है। अब हम दाल को किसी चम्मच या हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से फेंट लेंगे। हमें दाल को इतना फेंटना है कि ये एकदम वाइट हो जाए। ये दाल हमारी फिट गई है, एकदम वाइट हो गई है, ये देखिए। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। ये ऑयल हमारा गरम हो रहा है। अब हम गरम तेल में इस तरीके से वड़े बना के छोड़ देंगे। ये देखिए, दाल हमारी इतनी सॉफ्ट है कि बड़ा जाते ही एकदम तैर रहा है ऑयल में। इसका मतलब दाल अच्छे से फिट गई है। एक बार में जितने बड़े आ जाएंगे उतने हम बना लेंगे। आप छोटा या बड़ा साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमने सभी बड़े डाल दिए हैं। अब इनको नीचे और ऊपर से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको इनसे ज़्यादा नहीं सेकेंगे। सभी बड़े तल के एकदम तैयार हो गए हैं, देखिए। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। ये बड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं। बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं हमारे ये बड़े। बड़े बनके तैयार हो गए। अब हम इन बड़ों को पानी में डाल देंगे। ये हम सभी बड़ों को पानी में डाल देंगे और इनको एक चम्मच की सहायता से हम ऐसे दबा देंगे ताकि इनमें जो कांजी का पानी है वो अच्छे से आ जाए, और ढक्कन लगा के रख देंगे। हम 15 मिनट बाद देखेंगे। ये बड़ों ने बहुत अच्छे से पानी पी लिया है। अब इनको सर्व करेंगे। ये देखिए, ये कितना बढ़िया कांजी का पानी बनके तैयार हो गया है। ये कांजी का पानी बड़ों के साथ बनके तैयार हो गया है बिल्कुल। ये देखिए, बड़े एकदम सॉफ्ट और कितने बढ़िया तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, जब हम त्यौहार पे कुछ हैवी खाना खा लेते हैं तो ये कांजी का पानी हमारे उस खाने को पचाने में बहुत मदद करता है और ये हाजमेदार भी होता है। इसको आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कांजी वड़ा की एकदम नई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।